हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है यासिर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अवर क्रिकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि IPL 2020 में जो हम लोग को खबर मिल रही थी कि ऑल स्टार मैचेस होने वाले IPL से पहले, तो दोस्तों अभी हम लोग को एक हफ्ते पहले खबर मिली कि वो कैंसिल हो चुके हैं, जिस टाइम शेड्यूल आया है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो कैंसिल हुए हैं या आगे होंगे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोग को उस बारे में। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों में, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लाइक उसके दबा दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये IPL से पहले होने वाले थे ऑल स्टार मैचेस 3 दिन पहले। इस बार IPL ने डिसाइड किया, BCCI ने डिसाइड किया कि हम लोग ओपनिंग सेरेमनी इस बार भी नहीं करेंगे, और इसका जो पैसा होगा ओपनिंग सेरेमनी का, वो दोस्तों हम लोग एक मैच कर देंगे, उसमें जो पैसा होगा वो आर्मी में हम लोग दे देंगे उस पैसे को। लेकिन दोस्तों, फिर BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये मैचेस होंगे स्टार्ट 25 मार्च भी रिपोर्ट आ गई थी, 25 मार्च से ये होंगे मैच, 25 मार्च को एक मैच होगा ऑल स्टार मैचेस। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, वही मैच है जिसमें चार टीम की प्लेइंग 11 रहेगी, जैसे एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों KKR, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के प्लेयर रहेंगे, और साउथ वेस्ट में दोस्तों CSK, RCB मुंबई और दोस्तों ऐसा हैदराबाद के प्लेयर्स रहेंगे। दोस्तों, ये है ऑल स्टार मैचेस, कंबाइन प्लेइंग 11 बनेगी, इन चारों टीमों की दो टीम में बटेगी, फिर दोस्तों मैच होना था। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते पहले से हम लोगों को खबर ये मिल रही है कि जब से शेड्यूल आया है कि IPL का जो ऑल स्टार मैच है वो कैंसिल होने वाला है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो शेड्यूल आया उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है ऑल स्टार मैच के बारे में। लेकिन दोस्तों, जो IPL BCCI के चेयरमैन है ब्रजेश पाटिल, दोस्तों उन्होंने बताया है कि IPL का जो ऑल स्टार मैचेस है वो दोस्तों भी कैंसिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम लोग उसको पोस्टपोन कर रहे हैं और ये टूर्नामेंट के एंड में खेला जाएगा। मतलब साफ सी बात है कि जब IPL खत्म होगा, मतलब फाइनल के बाद एक मैच खेला जाएगा ऑल स्टार मैच का, वो फाइनल के बाद खेला जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया है कि वो उसको फाइनल के बाद रखा गया, स्टार्टिंग से क्यों हटा दिया गया? दोस्तों, मेन चीज जो थी वो थी दोस्तों प्लेयर टीम की वजह से। दोस्तों, जो फ्रेंचाइजी है वो नहीं चाहती थी कि उनके प्लेयर्स कोई मैच खेलते हुए इंजर्ड हो जाए, जिससे कि वो IPL में नहीं खेल सके कुछ मैचेस, या पूरा सीजन भी मिस कर सकते हैं अगर इंजरी ज्यादा गहरी हो सकती है। तो वो नहीं चाहते थे अपने प्लेयर्स को भेजना उस ऑल स्टार मैचेस में। इस वजह से दोस्तों, इस कारण BCCI को इसको पोस्टपोन करना पड़ा है। दोस्तों, अब पूरी रिपोर्ट ये निकल के आ रही है, ब्रजेश पाटिल ने खुद कहा है टूर्नामेंट के एंड में खेला जाएगा IPL ऑल स्टार मैचेस। दोस्तों, ऑल स्टार मैच का स्टार्टिंग में ही खेला जाना चाहिए था या एंड में खेलना उसको ज्यादा सही है, वो आपकी क्या राय है वो नीचे का बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने ब्लैक उसके बाद जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।